बहुत ही जबरदस्त एल्बम गाना रिलीज होने वाला है जी म्यूजिक से। तो यहाँ पर जितने भी आए तमाम लोगों से निवेदन है कि जी म्यूजिक के लिए जी जान से ताली बजाए, जबरदस्त ताली बजाए। और भीगी भीगी दास्ता एक बार चलने देते ना, ये थोड़ा दो महीना पहले लाया है, जून जुलाई में लाते तो फिर बारिश हो जाती है, नहीं मैं अभी लाया है तो जून जुलाई में पैसों की बरसात होगी, पैसे पैसे समाते होंगे। ओहो पैसों की भीगी भीगी दास्ता, अच्छी बात है। वसीम भाई को मैं क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही गुणी आदमी है, ऐसा हम लोग खुद का मानना है। पर आप हम भी मानने लगे हैं, हम गरीबों के नहीं। ये वो सीन है जो किसी भी मोबाइल में फिट हो जाती है। और नजमा जी, नजमा या नगमा क्या भाई उस नाम पे, नाजमा नाजमा, आज माँ पे हमें नाज है, नाजमा। बॉलीवुड में भी जो नाज सिनेमा है वो हमारी माँ, सिनेमा की माँ जो है नाज सिनेमा है। और पीआर इंडस्ट्री में भी हमारी जो पब्लिसिटी की माँ है वो नाजमा है। निवेदन करूंगा कि आपने जो गाना गाया है उसके दो फोन हम सबके लिए सुनना चाहेंगे आप लोग। देखिए खुल के आशीर्वाद दीजिएगा अभिषेक जी को, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस अभिषेक का वो हाल हो जो हमारे उस अभिषेक का हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे स्पेशल थैंक्स यू तो शादाब भाई के लिए है, सर शादाब भाई हमारे लिए साथ में। एक्चुअली इन्होंने मुझे जो हमने ऑफिशियल सॉन्ग किया है भीगी भीगी दास्ता, कल्याण दादा ने बनाया बहुत अच्छा, और इसके लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का और मेनली शादाब भाई का। तो मैं दो लाइन आप सभी के समक्ष गा रहा हूँ। वो भीगा भीगा था समा, वो भंगे थे जवान, कि तुम आए यहाँ, तमन्ना है मेरी होठों को तेरे चूम लूं, तेरी जुल्फों तले जरा समय झूम लूं। तेरे चूम लूं, तेरी जो
वो भीगी भीगी दास्तां, वो भीगी भीगी दास्तां, ओ मंगलती जवान कि तुम आए यहाँ। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। गाना देख के आपको लग रहा होगा कि गाने में कितनी मेहनत हुई है, कितना चेंजिंग वगैरह है, और इतने पहले मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मीडिया यहाँ पे आई अपना कीमती टाइम निकाल के, और ये पूरा एक मिनट अजय जी आया, अजय जी थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग, और लोकेशन मुझे बहुत अच्छे लगे, शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, इमोशन बहुत अच्छे लगे, और उन सब से भी ज़्यादा ये दो मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे दो अनमोल रतन। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को ये बिगिनिंग बहुत मुबारक हो, और ये गाना युवाओं की दिल की धड़कन बनने वाला है। इसके लिए मैं जी म्यूज़िक का और तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा म्यूज़िक, ऐसा ओरिजिनल सॉन्ग अब आ रहा है। तो पूरी टीम को भी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सब जियो हजारों साल, यही 33 सुनील पाल। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा संजय लीला भंसाली का मुझे लुक आया, वैसे देखा जाए तो लोकेशन में लोकेशन बहुत अच्छे थे, और साथ में ये लोग उस पर इतने ज़बरदस्त लग रहे थे कि मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा वाली बात होती, और परफॉर्मेंस के मामले में ऐसा लगता था जैसे ये लोग एक्टिंग भी कर रहे, सचमुच के ही 7 जन्मों के प्रेमी हूँ। भीगी भीगी दास्तां लग रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे, सुनील पाल जी ने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर लोगों को हंसाया भी और अपना समय दिया और आपकी तारीफ भी कर दी, क्या कहना चाहेंगे? सुनील भाई का तो सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के सुनील भाई यहाँ पे आए और हम सबका एंटरटेनमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू। हर्षी जी, बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं आज, और आप यहाँ पर गाना देखा, आपने कैसा लगा? मैं बहुत दिनों के बाद इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मैं और लोगों की तरह आपको फ़ोन करके बुलाती नहीं हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में लोग ज़्यादातर दखल दें, तो मैं आपको फ़ोन करके नहीं बुलाती, इसलिए मैं आपको बहुत दिन के बाद दिख रही हूँ। ये हमेशा मुझसे यही सवाल करता है, ये हमेशा यही सवाल करता है, यही सवाल करता है, आप बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, रोज सुबह गुड मॉर्निंग कर देने। हाँ, क्योंकि मेरे पास ना रेडी होने के अलावा भी बहुत काम है, कहीं पे दिखने के अलावा भी बहुत सारे काम है, तो मैं ये करूँ कि ये करूँ। चलिए गाना कैसा लगा? अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा है, एंड शादाब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी से नहीं 3-4 साल से बहुत अच्छा दोस्त है, एंड आई होप एक्टिंग करेगा रे।
तो उसको भी एक्टिंग का कीड़ा आ गया है, तो आई होप के आगे जाकर इंशाल्लाह सक्सेस मिले। ईशान जी आप बताइए आपको कैसा लगा अर्शी जी के साथ आप आ जाए और बेकर के समय? मुझे लगा था तुम सॉन्ग के बारे में पूछोगे कि सॉन्ग कैसे हैं। ठीक है ऐसे के गुस्सा है। ठीक है स्टिल फील आस्किंग मी। आई लव इट। सॉन्ग भी कैसा लगा? सॉन्ग मुझे ऑफ कोर्स अच्छा लगा बिकॉज़ सॉन्ग का नाम ही है भीगी भीगी दास्ता एंड लोकेशंस आर फैब एंड स्पेशली द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम आर वेरी नाइस एंड यस दे परफॉर्म सो वेल इन द सॉन्ग। इट्स वेरी रोमांटिक एंड आई थिंक रील्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाला सॉन्ग। तुम्हारे लिए आई है ऑस्कर में भी खड़ा रहेगा ना, तो बस यही पूछेगा हर सेलिब्रिटी से सर वो अर्शी खान आई है, सर वो अर्शी खान आई है, ऑल टाइम यही करेगा। अर्शी जी से मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, 3-4 दिन पहले। एक्चुअली अर्शी जी उस टाइम पे दिल्ली थी, उस टाइम पे बहुत बिजी थी, तो उन्होंने बोला कि शादाब टाइम निकाल के मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। इन्होंने अपना वहाँ पे कुछ काम भी चालू था शायद दिल्ली में, वो छोड़ के यहाँ पे आई हैं स्पेशल मेरे लिए। तो तहे दिल से अर्शी जी का भी शुक्रिया करूँगा कि आप वहाँ पे आई हैं, यहाँ पे आई हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, अपना इतना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप आए और आई होप अब तो गाना बहुत अच्छा करेगा। इतने सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने सेलिब्रिटीज की ब्लेसिंग्स मिली हैं, स्पेशली मैम की, सो आई होप दिस सॉन्ग इज गोना रॉक। सो थैंक यू सो मच। अजय सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी एक मूवी आने वाली है और अच्छी मूवी है जिस पर मैंने काम किया, कुछ वेब सीरीज पे वर्कआउट किया, 2 वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं प्रमोशन के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी मूवीज आने दो, प्रमोशंस खुद ही हो जाएंगे, तो बस अब बुलाऊंगी मैं इसको। हाँ इसको जरूर बुलाऊंगी मैं, बुला लेना, हमेशा ही रहता है उसका नाम। थैंक यू आज के दिन। गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा गाना था, बहुत आर एक्टिंग वेरी वेल, लोकेशन अच्छी थी, परफॉर्म अच्छा किया इन्होंने, मेरी ब्लेसिंग है गाने के लिए, और इतने सारे लोग आए, लोगों की ब्लेसिंग से ऑल इन। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, गाना कोई लेकर आने की कोई इरादा है आपका? बहुत सारे हैं लेकिन आपसे अकेले में शेयर करूँगा। तो अगर हम बात करें कॉस्ट्यूम की, काफी अच्छा लोकेशन भी दिख रहा है, कुछ अगर आप बता सकते हैं? कॉस्ट्यूम डिजाइनर आज बहुत डर गई, वो आई नहीं आ रही, डर के नहीं आई। नहीं मेरा कोई डर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, पता अच्छी आ रही है। मैं नहीं आ रही, तबीयत खराब हो गई, मैं छो गई तबीयत खराब। वेरी एक्साइटेड, मुझे मैं देखना चाहती हूँ आलिया एंड रणबीर की शादी, जल्दी से सबकी शादी हो रही है, मैं भी इंशाल्लाह अगले साल तक शादी करूंगी और मैं भी दुल्हन हूँ। नहीं 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 ऐसा जुल्म मत करो यार, लाखों का दिल दी नहीं यार, वो अब शादी तो यू नो अब करना ही था, अब उनकी उनकी जाति मामला में क्या दखल दूँ, कब कब शादी करना है उनको वो डिसाइड करेंगे। शादी में हमेशा लिमिटेड लोग ही बुलाना चाहिए क्योंकि फालतू लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। एक्चुअली बकवास लोग, मैं तो अपने कार्ड लगवा के रखूंगी बाहर और गेस्ट लिस्ट में नाम लिखे होंगे, मीडिया सब आएगी। जिन लोगों ने हमें बनाया है मीडिया ने, उनको लोग बाहर खड़े रखते हैं, वो मुझे बुरा लगता है कि मीडिया बेचारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, बाहर से शूट कर रहे हैं हमें। मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी है, आप इतना इज्जत देते, इतनी इज्जत अफजाई करते हैं सेलिब्रिटीज की, उनको हर जगह कैप्चर कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, पूरी आवाम को दिखा रहे हैं, बट जब शादी होती है तो मीडिया नॉट तुमको, अगर मीडिया तुम्हें दिखाती नहीं तो कुत्ता नहीं पूछता तुमको।
मेरी शादी में तो सारी मीडिया आएगी भैया, सब 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 आप लोग जरूर आएंगे। मैं जरूर आप लोगों को खुद ही इनविटेशन देने के लिए आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी कि जाओ जाओ इस मीडिया को बुला लो, ये अलाउ है, ये बड़ा मीडिया पोर्टल है इसको बुला लो, आई डोंट लाइक दिस, सब इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, मैंने गाना शूट किया था वहाँ पर, ये लोकेशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो दोनों के बीच में खुद पता चल जाती है ना। नॉटी नॉटी भाई, मजाक था ये, मजाक था जी। अभी तो शुरुआत है, आई होप अच्छा जाए इंशाल्लाह, ठीक है। वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कोई भी आप जब कच्चा बादाम चल सकता है और वो जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार कुछ भी चल सकता है यार, अब तो सोशल मीडिया कुछ भी उठेगा, लेकिन अच्छी चीजें नहीं दिख पाती है और बुरी चीजें ऊपर चली जाती है, तो मेरा तो मतलब विश्वास ही उठ गया है। आप सबको मेरी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह मैं भी रोजा अफ्तार करूंगी, डेट डिसाइड करके हम आपको बताएंगे, और मैं तो रोजा रख ही रही हूँ, आप लोग भी रखो। हाँ जी सर, मेरा नाम है अनु मलिक और ये मेरे फ्रेंड है शादाब, और सीरत का भी ये पहला सॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ इनके सॉन्ग को अच्छे मतलब व्यूज मिले, लाइक मिले, लोग पसंद करें अच्छे से। और आपका नाम अनु मलिक बताया ना? मेरा नाम अनु मलिक ही है। पहले तो कंपोजिशन सात दिन तक तो हम लोग खाली लिरिक्स चेंज किए, ये लिरिक्स है, ये लिरिक्स है ना, सारा वो और मैं, हम लोग तीनों मिलके लिरिक्स कभी दिल्ली से आते थे, वो राइटर दिल्ली का, तो सात दिन के बाद हम लोग एक ढांचा तैयार किया है, फिर अभिषेक जी को सुनाए ट्रैक, फिर अभिषेक जी बोलता है थोड़ा ज़्यादा इसमें और थोड़ा चेंजेस करना है थोड़ा गाने में, फिर फाइनल हम लोग 15 दिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग किया है, और अभिषेक जी बहुत अच्छा गाए हैं, दो बार इनको किया है, पहले बार तो ओके नहीं हुआ, दूसरा बार रिकॉर्डिंग करके ओके हो गया। बोलो अभिषेक जी, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक शास्त्री है, मैंने ये जो गाना गाया था शादा भाई ने मुझे सामने से फ़ोन किया था, और इस गाने की जो कंपोजिशन जो है आप देखेंगे आज के टाइम पे, जो भी बता रहे थे कि रिमिक्स बन रहे हैं, पर ऑफिशियल ऐसी कंपोजिशंस जो सुन के, हाँ म्यूज़िक का मतलब होता है कि आंखें बंद होनी चाहिए, पर अभी का म्यूज़िक ऐसा होता है कि आंखें खुल जाती कि ये क्या हो गया करके, ऐसा कुछ हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें गलत गलत मतलब गलत नहीं कह सकते, कुछ अलग वे में चल रही हैं, जो म्यूज़िक होना चाहिए म्यूज़िक से हट के कुछ हो रहा है, पर कल्याण दादा ने इतना अच्छा कंपोज किया है, और मैंने कल्याण दादा ने मुझसे एक एक चीज़ निकलवा के लिए, एक्चुअली एक एक चीज़ निकलवा के लिए, तो वो बस आप सभी के सामने है, थैंक यू। गाने की शुरुआत हम लोग किए थे 2-2.5 साल पहले, कोरोना से पहले, तो ये सब लिख के ऑलरेडी रख दिया गया था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, फिर उसके बाद हम लोग पोस्टपोन करते, फिर आ गई वो घड़ी जो हम लोग शूट किए। हालांकि ये गाने में बहुत लोगों का हाथ था, मेहनत बहुत हुई है, 2-3 बार हम लोग ने लिरिक्स चेंज किया, फिर शूट करके फिर भी 2-3 चीज़ चेंज हुई इस गाने में, मेहनत बहुत हुई इस गाने में, तो फाइनली आपके सामने ये गाना आ गया। सेट की बात, सेट पे कैसे माहौल था? सेट पे तो बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला हम लोग शूट किए,
हंसते हंसते शूट हो गया। हालांकि 3 दिन का शेड्यूल था ये गाने में, 3 दिन, और हम लोग ने 1.5 दिन में ये गाना शूट कर दिया। ट्रोली ग्रेन ये सब जितना इतना बड़ा जो हम लोग 1.5 दिन में शूट कर दिया। और हमारे DOP साहब हैं फिरोज भाई, बहुत मेहनत की हैं कि नहीं DOP साहब हमारे? DOP साहब आइए एक मिनट, ये हमारे DOP साहब हैं जो इन्होंने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए। कुछ बोलिए सर, बोलेंगे सर DOP साहब। आप सबका पहले तो शुक्रिया है। गाना 2 साल से मैं सुन रहा था, एक्चुअली 2 साल पहले गाना आ चुका था, सुन रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इस गाने को शूट कर लिया। काफ़ी मेहनत थी और सबने, मतलब टीम हमारी जो थी वो बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी टीम थी और सबने कोऑपरेट किया। मेन आर्टिस्ट जो इतना फास्ट चेंजेस वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं था करना, तो ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने साथ दी है उस वजह से हम ये गाना मतलब बहुत अच्छे से कर पाए। और टेक्निकली जो था इसमें टीम बहुत अच्छी थी, सारे लाइटमैन डायरेक्टर सारी चीज़ें जो थी वो हमारी बहुत अच्छी थी, जो हमने गाना किया है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। आपको गाना कैसे मिला, किस डोली में आया? जब मैंने गाना सुना, मुझे गाना सुनते ही बहुत अच्छा लगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि करना है ये सॉन्ग। और ऑफकोर्स आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि इतना हार्ट टचिंग लिरिक्स है और म्यूजिक है, और आई थिंक प्योर गाना है, नो पॉप सॉन्ग्स, नो रैप, जो आप इंजॉय कर सकते हो गाड़ी में बजने वाला गाना टाइप्स अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। सो आई होप ये गाना अच्छा करे, और मीडिया ही है जो, टैलेंट मैटर्स बट मीडिया ही है जो इस गाने को और आगे तक पहुँचा सकती है। सो थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए, और प्लीज़ इसको शेयर करें और अपना प्यार दें और ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू सो मच।